आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 30 मई को ही हो चुका है। दुनिया भर से 10 टीमों ने इसमें शिरकत ली है। वैसे तो खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुक्रवार को यानी कि 31 मई को पाकिस्तानी टीम ने अपना पहला मुकाबला बहुत ही बुरी तरीके से हार गई। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से था, जिसमें पाकिस्तान ने महज 105 रन बनाकर 24 ओवर में ऑल आउट हो गया। वहीं वेस्ट इंडीज ने 13 ओवर में 108 रन बनाकर जीत हासिल की। इस हार के बाद पाकिस्तानी टीम का हर तरफ से विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद के खिलाफ तो एक तरफ से कई पूर्व क्रिकेटरों ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं फैंस भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों की आलोचना करने में लगे हुए हैं। इसी बीच पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली के एक बयान ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करवा दिया और इसी वजह से उनका मजाक भी बन रहा है। दरअसल उन्होंने कहा कि पिज्जा जंक फूड नहीं होता। इसके बाद पाकिस्तान के फैंस सोशल मीडिया पर उनके बयान का मजाक उड़ाने लगे। इसी बीच हसन अली के इस बयान को लेकर सानिया मिर्जा उनके समर्थन में आ खड़ी हुई। उन्होंने हसन अली का बचाव करते हुए ट्वीट किया, हसन अली असल में सही है, पिज्जा लंबे और मुश्किल मैचों के बाद रिकवरी के लिए अच्छा होता है। चीजी पिज्जा नहीं लेकिन सब्जियों वाला, कार्बोहाइड्रेट्स रिकवरी के लिए जरूरी और अच्छा होता है। वैसे आपको समझ नहीं आया होगा कि मैच में खराब प्रदर्शन के मामलों में पिज्जा कहां से आ गया। तो बात कुछ ऐसी है कि आईसीसी वर्ल्ड कप के ट्विटर अकाउंट पर एक परफेक्ट पेयर नाम से वीडियो डाली गई है, जिसमें खिलाड़ियों के बीच अंडरस्टैंडिंग पर आधारित रैपिड फायर गेम था और इस गेम में शब्द खान और हसन अली से कुछ सवाल पूछे जा रहे थे एक दूसरे के लिए। उसी दौरान हसन अली ने यह कह दिया कि पिज्जा फास्ट फूड नहीं होता है। इसी स्टेटमेंट को लेकर उन्हें ट्रोल कर दिया गया है। न जाने क्यों आजकल लोग इस सोशल मीडिया के दौर में ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि अगर आप इलॉजिकल बातें करेंगे तो आप पर तो ट्रोल होना ही है। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल सोशल मीडिया पर दस्तूर हो गया है। वैसे आपको बता दें कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में वेस्ट इंडीज के हाथों बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चारों तरफ से आलोचना भी हो रही है। कई दिग्गजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाज को जमकर लताड़ लगाई है, साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट ने भी इस टीम के खेलने के रवैये पर कई सारे सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने तो कप्तान सरफराज अहमद की फिटनेस पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सरफराज को मोटा करार दिया। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार के बाद यह पाकिस्तान की इस साल पूरे हुए मैचों में लगातार 11वीं हार थी। टीम ने पहले दुबई में ऑस्ट्रेलिया से 5-0 के सीरीज गवाई, इसके बाद इंग्लैंड ने उसे 4-0 से हराया। वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दे दी थी हार। अब हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अगर आने वाले मैचों में पाकिस्तान ने बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखाया तो इससे उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन पिछले प्रदर्शन को देखकर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बेहतर प्रदर्शन उनके बस से बाहर है, क्योंकि वर्ल्ड कप में आकर ऐसा प्रदर्शन देना बहुत ही शर्मिंदा वाला है। हम तो आपको जाते जाते यही बोलेंगे कि तमाम खबर, चाहे वो वर्ल्ड कप से रिलेट करती हो या फिर कोई भी खबर से अगर आपको जुड़ना है तो आप द चौपाल देखते रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।